दोस्तों आज की वीडियो में धमासान टक्कर होने वाली है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और द न्यू एज एक्शन हीरो ऑफ बॉलीवुड विद्युत जम्वाल के बीच। दोस्तों आपके फेवरेट सुपरस्टार को वोट करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट करो रोमन रेंस अगर आपको रोमन रेंस को जिताना है या विद्युत जम्वाल अगर आपको विद्युत जम्वाल को जिताना है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें रोमन रेंस की, जिनका रियल नेम लिटी जोसेफ अनाव है, इनकी एज 36 इयर्स है, वही विद्युत जम्वाल की एज 40 इयर्स है। रोमन रेंस उनके करियर के शुरुआती दौर में अमेरिकन फुटबॉल में डिफेंस लाइन प्लेयर रह चुके हैं, जिसमें ताकत और टेक्निक दोनों का इस्तेमाल होता है और अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर बहुत स्ट्रांग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्डबर्ग। रोमन रेंस का स्पीयर फुटबॉल टैकल से इंस्पायर है। जब रोमन रेंस फुटबॉल खेलते थे उस टाइम रोमन रेंस का वेट 130 किलो था, लेकिन रेसलिंग में आने के बाद रोमन रेंस ने उनका वेट लॉस करके 120 किलो कर लिया। बात करें विद्युत जम्वाल की तो विद्युत जम्वाल का वेट 75 किलो है, लेकिन वेट रियल फाइट में ज़्यादा काम नहीं आता। अब बात करें जो चीज़ फाइटिंग में काम आती है, तो विद्युत 3 साल की उम्र से कलारी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो वर्ल्ड के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में आते हैं। विद्युत के कंबाइंड आपने उनकी मूवीज में देखा होगा। रोमन रेंस की फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो रोमन रेंस की पूरी समोवा फैमिली रेसलिंग के लिए ही जानी जाती है। रोमन के फादर सीका जो कि प्रोफेशनल रेसलर रह चुके हैं, और योकोजुना, रिकेशी, उमेगा, द टोंगो किड, द उसो एंड द रॉक रोमन रेंस के कजन है, यानी ये पूरी फैमिली ही लड़ाकू फैमिली है। और एक कॉमन फैक्ट के फादर अगर किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो तो उसका बेटा उससे भी ज़्यादा स्पेशलिस्ट होता है, आई मीन सक्सेसफुल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब इस फैक्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन रोमन रेंस उनके फादर सीका से ज़्यादा सक्सेसफुल रेसलर है। और बात करें विद्युत जम्वाल की तो विद्युत एक आर्मी ऑफिसर के बेटे है, एंड नो डाउट एक आर्मी ऑफिसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, तभी तो वो वॉस कंडीशन में भी बिल्कुल सही डिसीजन लेता है। अब मेरे फाइनल ओपिनियन से पहले दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू असगर अली। रेसलिंग टॉक हिंदी फैमिली का हिस्सा बनने और बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। और मेरे दूसरे व्यूअर्स जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। और चलिए जानते हैं अगर रोमन रेंस और विद्युत जम्वाल के बीच एक स्ट्रीट फाइट हुई तो कौन जीतेगा। अब रोमन रेंस की हाइट 6'3" है और उनका वेट, जैसे मैंने वीडियो में पहले ही कहा कि रोमन रेंस का वेट 120 किलो है, यानी रोमन रेंस विद्युत जम्वाल के सामने बहुत हट्टे कट्टे अपोनेंट होंगे। अब विद्युत जम्वाल की हाइट 5'11" है और उनका वेट 75 किलो है, यानी हम विद्युत जम्वाल को रेमी स्टेरियो समझ सकते हैं, जिसमें हाइट के मामले में विद्युत जम्वाल की हाइट रेमी स्टेरियो से ज़्यादा है, लेकिन वेट के मामले में दोनों का ही वेट लगभग बराबर है। तो अगर हम विद्युत जम्वाल को रेमी स्टेरियो कंसीडर कर ले तो रोमन रेंस विद्युत का क्या हाल करेंगे ये हमने हेल इन अ सेल में देख चुके हैं। लेकिन विद्युत जम्वाल एक कलारी फाइटर है, अभी मैंने जो कहा उसका उल्टा भी हो सकता है कि क्या पता विद्युत रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर दे। बट प्रॉब्लम है कि कलारी बहुत पुरानी टेक्निक है और मॉडर्न कंबैट में एक कलारी फाइटर कैसे परफॉर्म करेगा ये बहुत मुश्किल सवाल है। अब एक स्ट्रीट फाइट में जीतने के लिए चाहिए होता है स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड एंड्यूरेंस। और आपको क्या लगता है अगर दोनों के बीच धमासान युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये वीडियो रोमन रेंस या विद्युत जम्वाल को वीक बताने के लिए नहीं था, दोनों ही अपने प्रोफेशन में मास्टर है। जहाँ रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन और एक एक्टर है, वही विद्युत जम्वाल एक एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट, स्टंटमैन और एक एक्शन कोरियोग्राफर है। दोनों ही उनकी फील्ड में ऑसम है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है कि दोनों में से कौन है बेस्ट, रोमन रेंस या विद्युत जम्वाल, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बस आज की वीडियो यही तक थी। अगर ये वीडियो या इस चैनल की दूसरी वीडियोस अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और हाँ, अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।